हेलो दोस्तों, जायका वितंजा में आपका स्वागत है। मैं आज लाई हूँ आपके लिए रागी का चीला, रागी जिसे फिगर मिलेट या मंडुआ भी बोलते हैं। अगर मैं रागी के बेनिफिट्स बताने लगूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें बी विटामिन्स बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, फॉस्फोरस बहुत है, आयरन ज़्यादा होने के कारण ये हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में फ़ायदा करता है। ये हमारी ग्लूटेन फ्री डाइट है, जिन्हें गेहूं मना होता है वो इस अनाज को जरूर खा सकते हैं। ये हमारे अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस ये जिनको पथरी है उन्हें कम खाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी रागी ली है साबुत वाली, और आधी कटोरी धुली उड़द की दाल, और एक चम्मच मेथी दाना लिया है। अगर किसी के पास साबुत रागी भी नहीं है तो वो उसका आटा भी ले सकता है, लेकिन बस उस केस में हमें दाल और मेथी और ये चार लाल मिर्च, सिर्फ ये ही भिगोनी है। लेकिन मैंने साबुत ली है इसलिए मैं इन तीनों चीज़ों को भिगो दूंगी, और भिगोने के बाद मैं 3-4 घंटे के लिए इसको रख दूंगी। 3-4 घंटे के बाद फिर मैं इसको पीसूंगी। बस मुझे पीसते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसमें मेथी का पानी है वो नहीं फेंकना है, तभी हमें मेथी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसे हमें पीस के एक महीन पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो, अगर आपके पास उड़द की दाल नहीं है, उड़द की दाल आपको नहीं खाते हैं, तो आप मूंग की दाल का भी बना सकते हैं। कई लोग चावल भी इसमें थोड़े से डालते हैं, लेकिन मुझे ये पूरी तरह से हेल्दी रखना है इसलिए मैंने इसमें चावल नहीं डाले हैं। आप देखिए, मैंने सारा इसका मेथी का पानी डाल दिया है, जिससे कि मुझे मेथी के सारे बेनिफिट्स मिलें। अब ये पूरा एक हमारा डोसे का बैटर बन जाएगा। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। 3 घंटे के बाद देखिए हमारा ये बैटर इस तरह से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। मैंने पनीर की स्टफिंग बनाई है, आप चाहो तो आलू की भी बना सकते हो। इसमें मैंने 1 टमाटर 1 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे इसे पूरा हेल्दी रखना है, तो इसलिए मैंने इसमें मसाले भी कम से कम डाले हैं। इसमें मैंने अब 1/2 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च लूँगी। काली मिर्च का पनीर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। आप देखिए, मैंने ये कुटी हुई 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, और 1/2 चम्मच मैं नमक लूँगी। नमक भी आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना कम खाते हैं कम डालिए, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालिए। अगर आपको स्टफिंग के साथ नहीं खाना है तो आप प्लेन भी हरे धनिए की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन स्टफिंग के खाने के बाद पेट थोड़ा सा फुल हो जाता है, तो बच्चों को ये अच्छा लगता है। और पनीर तो वैसे भी आप जानते हैं बच्चों को कितना पसंद है। अब ये हमारा बैटर तैयार है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला था, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला बैटर बना लूंगी डोसे की तरह। इसके बाद मैंने एक डोसे का तवा रख दिया है, जिस पे इजीली मेरा डोसा या चीला बन सकता है। आप देखिए, मैंने 2 चम्मच इसमें बैटर डाला, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ऑयल ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि इस तवे पे आराम से ही मेरा ये चीला उतर जाएगा। हमें ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और जब ये थोड़ा सा सिके तभी हमें अपने इसमें पलटा लगाना है। आप ये देखिए, ये मेरा सिक चुका है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि और चीले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देर से सिकता है। अब मैं आपको 2 तरीके से स्टफिंग इसमें भरकर दिखाऊंगी कि हम किसी भी तरीके से उसको फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहो तो इस समय चटनी, मेयोनी, सॉस कुछ भी लगा सकते हो। आप देखिए, नीचे से ये बिल्कुल लाल हो गया है, कुरकुरा हो गया है। ये देखने में जितना अच्छा है, खाने में उतना ही यम्मी है। आप एक बार प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप चाहो तो इसके बीच में भी स्टफिंग भर सकते हो, और इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हो। और अगर आपको स्टफिंग नहीं खानी है तो प्लेन चीला भी खा सकते हो चटनी के साथ।
अब ये मेरे सभी चीले तैयार हैं। आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इंजॉय कीजिए, मैं भी इसे इंजॉय करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका यही मेरे को और मोटिवेट करता है मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।